देख सकते हैं ऊपर ट्रैफिक है, नीचे ट्रेन है और ऊपर सनसेट का जो व्यू है बड़ा गजब का व्यू आ रहा है। देखते हैं कि बनारस की सुबह सुबह कैसी होती है। वाराणसी से अच्छा लोकल ही है तो ले आने के लोकल यानी टेस्टी कोई आइटम है जो भोजन थाली 80 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कुछ सब्सक्राइबर मिले, आप लोग कहाँ से? छपरा से। छपरा, छपरा पटना से। खड़ा तो हो जा सही से, नशे में ही बना हुआ सब। जैसे कश्मीर में नहीं बने हुए थे शंकराचार्य और सबका अंत है वो घाट जहाँ पर आदमी की अंतिम क्रियाएं होती है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घाट शमशान घाट जो है कई मंजिला। तो दोस्तों यहाँ के बारे में क्या क्या कहूँ, तो आप देख सकते हैं कितना लाजवाब और कितना पुराना है ये। पूरे राजे महाराजे वाली फीलिंग है यहाँ पर। तो चलते चलते थक गए हैं तो बोट हायर कर ली है कि बोट पे चलते हैं, तो इसलिए दोबारा से आप घाट घाट उधर फिर वो वाला घाट आगे घाट ये घाट सारे आप लाइन देखो तो यहाँ का कहते हैं कि 84 घाट है। इस तरह नमो घाट एक नया घाट बनाया गया यहाँ पर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नए दिन की शुरुआत और अभी अभी अपना होटल्स छोड़ा है मैंने ऊपर से और मैं हूँ उस टाइम बनारस। और बनारस आप जानते हैं कि बनारस है गलियों का शहर और जहाँ पर बसते हैं कण कण में शंकरा। देखते हैं कि बनारस की सुबह सुबह कैसी होती है। आपको हर जगह हर गली हर दीवार पर यहाँ पर भक्तिमय के माहौल दिख जाएगा। तो सुबह सुबह का माहौल ये है यहाँ पर। अगर आप सुबह सुबह की बात करें थोड़ा सा लेट उठने में हो गया क्योंकि अभी बजे 7:30 और सुबह सुबह आप देख सकते हैं नाश्ते की तैयारी है और क्राउड आप देख ही सकते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह स्नान करके आए। अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ पर चाय आप देख सकते हैं चाय और सुबह सुबह मार्केट भी लगना शुरू हो गया। तो सुबह सुबह अगर आपको नाश्ते की ज़रूरत है तो सुबह सुबह आप नाश्ते का अरेंजमेंट ही सुबह सुबह स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ क्या बनती है बोस? 12 इडली और 12 इडली और 12। तो मैं तो कोई पहली बार कोई चीज़ पता लगी कि 12 भी कोई आइटम होती है। इडली तो सुनिए, इडली तो खाई भी खूब है लेकिन 12 भी कुछ है। ये कैसे स्वीट्स होती है, कैसा मीठा होता है? ये मीठा नहीं होता, मीठा नमकीन होता है। अच्छा, ये नमकीन होता है। बड़ा खाएंगे आप लोग? हाँ, 12। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह सुबह नाश्ते का पूरा अरेंजमेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं सभी लोग टेस्ट अपना पूरा का पूरा आनंद लेते हैं सुबह सुबह नाश्ता करते हुए। नहीं, मेरे को पहली बार कुछ पता लगा कि कोई 12 भी आइटम होती है। 12 बोलते हैं ना, 12 बाड़ा। ठीक। आप कहाँ से हो भैया? मैं मेरठ से। और अगर आपको सुबह सुबह नाश्ता तो देख सकते हैं आप नाश्ते का यहाँ भी पूरा बढ़िया अरेंजमेंट है। आप चाहें तो टप्पे पे नाश्ता कर सकते हैं और आप चाहें तो पूरा जलेबी कचौरी का भी आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। तो सुबह सुबह बाज़ार शुरू हो जाता है और आप देख सकते हैं सुबह सुबह नाश्ता गर्मा गर्म जलेबी और कचौरी थाली। आपको अगर आप चाहें तो 80 रुपीज़ में अपना भरपेट खाना भी यहाँ पर खा सकते हैं। भोजन थाली 80 रुपये। सुबह सुबह आप नज़ारा देख ही रहे हैं यहाँ का। सुबह ही सुबह बाज़ार लगने लगा। मैं सुबह सुबह उठ के चला आया था कि चलो यार ऐसे ही चलता हूँ, तो देख रहे हैं आप मैंने टी शर्ट डाली हुई है और लेकिन नीचे आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद मैंने गलती कर दी है। मैं आपको फिलहाल मार्केट दिखाता हूँ पहले यहाँ। तो रेडी पटरी वालों ने अभी मार्केट पे कब्ज़ा जमाया हुआ है क्योंकि उसके बाद ये बड़ी बड़ी शॉप खुल जाएंगे तो ये लोग यहाँ से उठ जाएंगे। तो कहीं पूजा सामग्री है जैसे उधर कपड़े की स्टॉल लगी हुई है, क्योंकि जब तक मार्केट खुलेगा उससे पहले ये लोग अपनी दुकानदारी कर लेते हैं। तो यहाँ दातून भी, अगर आपको सुबह सुबह के टाइम अगर आप दातून करना चाहते हैं तो देखिए उसके लिए भी यहाँ पर दातून है। यहाँ सुबह सुबह दातून के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। और एक तरफ अगर दातून है तो एक तरफ आपका देख सकते हैं आप पूजा फ्लावर्स वाले भी बैठे पूजा सामग्री के लिए भी यहाँ पर। तो ये चौक है यहाँ का मेन चौक, तो आप यहाँ देख सकते हैं रेलवे स्टेशन। इस तरफ की अगर मैं बात करूँ ना, पूरा का पूरा जो ये एरिया है ये पूरा का पूरा गलियों वाला एरिया है। इसके अंदर आप गली में घुसे हर गली में आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे। हर 10 कदम पर आपको एक मंदिर दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हर 10 कदम पर आपको मंदिर की मंदिर दिखाई देगी, क्योंकि कहते हैं कि काशी के कण कण में शिव है। और इसकी हवा में, इसकी ताजगी में, यानी हर जगह आपको यहाँ पर शिव ही शिव दिखाई देगी। तो मैं दिखा रहा हूँ आज आपको सुबह सुबह काशी के नज़ारे।
चलिए दोस्तों, मैं आपको सुबह सुबह लेकर चलता हूँ घाट की तरफ। ठंड जरूर लग रही है लेकिन चलते हैं, बर्दाश्त करेंगे थोड़ी सी ठंड। नहीं तो आपको मैं दिखाऊँ, जर्सी स्वेटर में दिखाई देंगे, दिखाई दे रहे ना, एक मैं ही हूँ जो यहाँ पर टी शर्ट में घूम रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कुछ सब्सक्राइबर मिले, आप लोग कहाँ से? छपरा से। छपरा, छपरा पटना से। पटना, हाँ यार, हमें भी वहाँ जाना था, वो देवधाम जाना था, रात को ट्रेन ही नहीं मिल पाई। दोस्तों ठंड ज़्यादा लगने लगी थी तो मैं वापसी रूम पर आ गया, और रूम पर देखा तो ये लोग कोई भी नहीं उठे अभी तक सोते हुए। अब मैं इन लोगों को उठाता हूँ, यार चलो काशी को देखो, काशी के दर्शन करो, चलो। अबे ऐसे ना उठने को, तुम्हारे ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालना पड़ेगा क्या? उठ जाओ यार जल्दी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा रात? एक हो रहा है बाहर से। गुड मॉर्निंग। खड़ा तो हो जा सही से। नशे में ही है, अभी तक नींद में ही है। जी सर, रिपोर्टिंग सर। एक तो दोस्तों होटल से मैं सबको उठा करके दोबारा चला आया हूँ, और वो भी पीछे पीछे सभी लोग आ रहे हैं अभी। तो यहाँ देख सकते हैं, आते ही मुझे घाट पर मिले भोले बाबा। और दोस्तों काशी का सबसे फेमस घाट है दशमेश घाट, यहीं पर सबसे ज्यादा पब्लिक नहाती है, और आपको सबसे ज्यादा बोट भी यहीं पर दिखाई देगी। बोटों का जमावड़ा, बोटों का महाकुंभ कह सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये ललिता घाट है, और उधर मणिकार्जुन घाट है आई थिंक, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं धीरे धीरे कन्फर्म कर रहा हूँ। तो ये ललिता घाट है, आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ भी है ललिता घाट। और आप ऊपर से अगर देखो तो दोस्तों, ये अगर आप देखो ना, ये चीज़ें ये देती है काशी की जो पुरानी कथाओं में है ना, जिस तरह से दिखाते थे, तो वो है पूरा। अगर आप ऊपर देखो तो काट का बना हुआ सब, जैसे कश्मीर में नहीं बने होते शंकराचार्य और ये, और जो पुराने के पुराने घर हैं, तो पूरी की पूरी वो स्ट्रक्चर यहाँ पर पूरा का पूरा काट लगा हुआ, जो आज भी ऐसा का ऐसे ही है, देख रहे हैं आप। और दोस्तों चलते चलते हम लोग आ जाते हैं कॉरिडोर के सामने, जो सीधा गंगा घाट से सीधा महादेव मंदिर को जाता है। और दोस्तों जो सच्चाई से रूबरू कराती, मैंने रात भी बताया था, वो सामने घाट है, जो सबका सबका अंत है, वो घाट है। मेरी इच्छा रहती है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा पास से कवर करूं, लेकिन कुछ संवेदनाएं होती हैं, उसकी वजह से मैं रुक जाता हूं। नहीं तो असली सच्चाई वो है, असली सच्चाई ये सब असली सच्चाई नहीं है कि हम लोग बाउट में घूम लिए, हमने बाबा के दर्शन कर लिए, हमने ये कर लिया वो कर लिया। असली सच्चाई ना जीवन की वो ही है जो वहाँ पर है, ये है अंतिम सच्चाई, जहाँ पर आदमी की अंतिम क्रियाएँ होती हैं। ये देखिए, अब यहाँ के बारे में क्या बताऊँ, पूरा निशब्द हूँ। दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि राकेश भाई तू कहाँ घुस गया, ये क्या दिखा रहा तू, लेकिन दोस्तों इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर जीवन में कुछ सत्य है तो सबसे बड़ी सत्य यही है, इससे ज़्यादा सत्य कुछ नहीं है। तो ये है हमारा सत्य, हर आदमी को यहाँ पर आना है, हर आदमी का अंत यही है। दोस्तों जितनी ज़्यादा अंत्येष्टि इस टाइम यहाँ पर हो रही है ना, मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखी, कोरोना काल भी देखा मैंने, पर इस तरह से अंत्येष्टि होती कभी नहीं देखी। यहाँ पर जनरेट सेट भी लगे हुए हैं कि हाथों हाथ अस्थियों को गंगा जी विसर्जित किया जाता। आप नीचे से लेकर के ऊपर दूर देखिए, वहाँ वो 2-3 मंजिले बना हुआ, वहाँ तक भी अंत्येष्टि चल रही है। तो बहुत बड़े लार्जेस्ट एरिया में जो अंत्येष्टि हो रही है। और दोस्तों मुझे यहाँ खड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, रेगुलर इस कांटे पे लकड़ियाँ तुल रही हैं, रेगुलर इस कांटे पे लकड़ियाँ तुल तुल के यहाँ से जा रही है। तो पूरी की पूरी मार्केट ये लकड़ी के टाल की है, दूर तक जहाँ तक भी नज़र दौड़ाओ तो लकड़ी ही लकड़ी यहाँ पर लगी हुई है पूरी मार्केट में। जय भोले बाबा, क्या दिखा रहे हो आज आप, जय बाबा की। बाकी ये मैं अपने तरफ से कह सकता हूँ कि मन यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा शांत हो गया है, अब किसी चीज़ की इच्छा नहीं करती है। मेरा मन पहले भी ज़्यादा की कम भी संभावना नहीं करी है मैंने, लेकिन आज बिल्कुल ही, मैं बिल्कुल फैक्ट बताऊँ, ऑन वीडियो बताता हूँ कि मेरी ज़्यादा किसी की भी चीज़ की इच्छा है यहाँ सब आज समाप्त हो गई है। तो दोस्तों यहाँ के बारे में क्या कहूँ, क्या कहूँ, और आना नहीं चाह रहा था सच मुझे तो मित्र को, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ा सा चलो
सत्य के नज़दीक और चलते हैं। वैसे तो हम लोग जाते हैं जब हमारे आसपास ही हमारे कोई जानकार में कोई गुजर जाता है उधर जाते हैं, लेकिन यहाँ का घाट कहते हैं कि अगर कोई यहाँ पर जिसकी अंत्येष्टि हो जाए या यहाँ पर जो कोई गुजर जाए काशी के अंदर और मणिकार्जुन घाट पर जो ये यहाँ पर अंत्येष्टि होती है, तो बोलते हैं कि अगर यहाँ पर कोई गुजर जाए और उसकी अंत्येष्टि यहाँ पर हो जाए तो सीधा स्वर्ग में जाता है, यहाँ पर गुजरने वाला सीधा स्वर्ग में जाता है। और दोस्तों यहाँ पर ना जीवन का सार लिखा हुआ है, बिल्कुल सच्चाई लिखी हुई है यहाँ पर। जन्म लेना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, और मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में रहना ये कर्मों की बात है। तो दोस्तों लिखी बहुत बड़ी बात। चलो जी अगले घाट पे चलते हैं, यहाँ आकर के तो मन भारी भी हो गया और शांत भी हो गया। दोस्तों यहाँ पर है गंगा महल घाट, तो आप देख सकते हैं कितना लाजवाब और कितना पुराना है ये। पूरे राजे महाराजे वाली फीलिंग है यहाँ पर। तो गंगा महल घाट, और दोस्तों इस टाइम है भोसले घाट। आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये है भोसले घाट, और स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम वही जो गंगा घाट वाला है। आप ऊपर तक देखें, ये पूरे लाइन लगा के एक साथ घाट ही घाट है, तो इसलिए 84 घाट बोलते हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा घाट है यहाँ पर। तो इस तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो आपको घाट ही घाट आते चले जाएंगे। और दोस्तों मैं अपने पीछे दिखाऊं तो यहाँ पर है गणेश घाट, और गणेश घाट पर यहाँ पर काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस भी है थोड़ा सा आपका, क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है एक अच्छा। तो आप देख सकते हैं पूरा कोई ग्रुप आया हुआ है, ड्रेस कोड है इन लोगों का, और अग्निश्वर घाट और गणेश घाट के बीच में ये यहाँ पर बसा हुआ है। तो ये रेस्टोरेंट है और होटल्स है, तो एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि अगर आप वाराणसी आते हैं और घूमना चाहते हैं, क्योंकि सामने का लुक ये तो है ही बिल्कुल। आप अगर आप यहाँ ऊपर टेरेस पे खड़े होते हैं, पूरा गंगा जी को निहारते हैं, तो पूरा दूर तक का दृश्य आपको दिखाई देता है, और उसके साथ साथ आप गंगा जी को तो निहार ही सकते हैं। और यहाँ पर बोटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा है, इन लोगों ने डेकोरेट भी किया, क्योंकि मैं सबसे पहले बताऊँ दिखावे का जमाना है, दिखता है तो बिकता है। तो चलते चलते थक गए हैं, तो बोट हायर कर ली है कि बोट पे चलते हैं, तो इसलिए दोबारा से आप देख सकते हैं बोट पे जाते हुए। तो दोस्तों लाइन लगा करके सारे घाट हैं, जैसे यहाँ पे थे गणेश घाट उधर फिर वो वाला घाट, आगे घाट, ये घाट, सारे आप लाइन देखो तो यहाँ का कहते हैं कि 84 घाट है। इस तरह से हम लोग बोट हायर कर ली क्योंकि बहुत थक गए थे चलते चलते। तो दोस्तों ये है गंगा जी के नज़ारे, और जैसे मैं बता रहा हूँ तो आपको अगर मेरे पीछे देखें, सामने मेरे पिछली तरफ देखें, तो सारे के सारे घाट हैं और लाइन लगा के घाट हैं, एक के बाद और बाकी आप देख सकते हैं सभी लोग बोट का आनंद ले रहे हैं। एक ब्रिज है, आई थिंक रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज है गंगा जी को पार करने वाला, बहुत दूर दिखाई दे रहा है, उधर चल के हम जब तब आपको पास से दिखाते हैं। और अगर मैं सामने की बात करूं तो सामने देख सकते हैं आप पूरा रेतीला इलाका है, तो उधर भी आप जा करके बोट को पार ले जा सकते हैं, घूम सकते हैं उधर जाकर। दोस्तों बनारस में पतंगों का क्रेज़ है, जैसे हमारे मेरठ में दिल्ली में अपना पतंग उड़ती है, तो बनारस में भी काफ़ी क्रेज़ है पतंगों का। और आप देख सकते हैं सामने आसमान में बहुत सारी पतंगें हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारी पतंगें हैं। दोस्तों देख सकते हैं ऊपर ट्रैफिक है, नीचे ट्रेन है, और ऊपर सनसेट का जो व्यू है बड़ा गजब का व्यू आ रहा है। और मैं हूं इस टाइम नमो घाट वाराणसी काशी घाट। तो दोस्तों रिसेंटली हम पहुंच जाते हैं नमो घाट, सामने है नमो घाट। और दोस्तों ये है अपने टीम मेंबर, बहुत कम रह गए क्योंकि बाकी आगे बढ़ गए। तो दोस्तों ये है नमो घाट, ये मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझता हूँ ये नया घाट बसाया गया है, जो हमारे ऐतिहासिक पौराणिक
घाट है उनसे हट करके ये नमो घाट एक नया घाट बनाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, क्योंकि बाकी घाटों का तो जीर्णोद्धार किया गया है कि उन्हें दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करके उनका अच्छे से बनाया गया, लेकिन ये घाट एक नया घाट है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। और सामने गंगा जी है और यहाँ पर भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। और मेरी कोशिश रही है कि मैं खुद को घाट देख ही सकूं और आप लोगों को भी घाट दिखा सकूं। तो आज मैंने कोशिश करी बहुत सारे घाट दिखाने की, बाकी दिल से पूछो तो यहाँ आना सफल रह गया और एक अलग ही अनुभूति होती है यहाँ पर आने के बाद। कहते हैं ना, महादेव के दरबार में जो जाता खाली हाथ नहीं जाता, तो मुझे भी काफ़ी कुछ मिल गया है इन दो रातों के अंदर और कुछ छूट भी गया है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ, मैं आपको पूरे व्यू दिखा रहा हूँ, पूरे घाट के सारे घाटों के मैंने दर्शन कराए और सबसे बढ़िया व्यू आ रहा है इस टाइम, क्योंकि इस टाइम हो गया ना सनसेट का टाइम हो चुका, तो सनसेट का टाइम हो चुका तो आप सामने पीछे देखें आप बिल्कुल व्यू कैसे गजब का व्यू दिख रहा है। अब धीरे धीरे ये पूरा का पूरा गंगा जी में समा जाएगा, तो एक अलग ही व्यू आएगा। अभी थोड़ी देर में अगर मैं बोर्ड के अंदर रहा तो पूरा बोर्ड के अंदर भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ, पूरा व्यू जबरदस्त। जहाँ से बोट हायर की थी वो जगह आ चुकी है, तो लास्ट है फिलहाल आज इस वाली ट्रिप का गंगा जी के अंदर, और जल्दी हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं।